कुछ लोग अपनी शादी की के सिलसिले में जो शॉपिंग के लिए गोनी खां वगैरह में आते हैं, तो उनका एक पर्स जो है वो कोई छीन लेता है या पिक कर लेता है, जिसमें 90,000 रुपये उनके पास थे। एक छोटी सी फैमिली जो शादी की शॉपिंग के लिए आए और उसका 90,000 जो है वो कोई ले गया, तो उस बिना पर उन्होंने जब कंप्लेंट हमारे पुलिस स्टेशन शेरगढ़ी में दर्ज की, तो हम लोगों ने उस पर FIR रजिस्टर किया 55 of 2020। उसके बाद सिटी साउथ की जो पुलिस है, जो सजाद शाह साहब हेड करते हैं, तो इन्होंने एक हिकमत अमली ये बनाई कि हमने सिविल में बहुत सारे लड़के सिविल में उस इलाके में डाले, क्योंकि इससे पहले भी कुछ हमारे पास शिकायत आई थी लेकिन रिटर्न में देने के लिए लोग तैयार नहीं थे। तो ये पहली बार तकरीबन हमारे पास रिटर्न शिकायत आई कि पिक पॉकेटिंग बहुत धड़ल्ले से हो रही है और काफ़ी आगे बढ़ रही है। इस पे हम लोगों ने जो सिविल में अपने लड़के लगाए और उसके अलावा अपनी सर्विलेंस बढ़ाई, जो हमारी CCTVs की भी है, इंटेलिजेंस है या बाकी इलेक्ट्रॉनिक हिसाब से, तो हम लोगों ने इसमें टोटल 8 लोग जो है गिरफ़्तार किए। 8 में से 5 जो थी वो लेडीज़ हैं और 3 जेंट्स हैं। और इन लोगों से हमारे पास जो हैं एम्प्टी पर्स, इनके घरों की सर्च करके जो पर्स आपने यहाँ टेबल पे देखे, 25 हमारे पास पर्स मिले हैं। इनके रिसेंटली जो इन्होंने इस चोरी के पैसे से जो LCDs वगैरह नए लिए हैं वो भी हैं, कुछ नया घर का सामान लिया है, कुछ घरेलू आइटम्स हैं, वैक्यूम क्लीनर्स और वॉशिंग मशीन और प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिक हीटर्स वगैरह वो ख़रीदे हैं। मैं इसमें सिर्फ नाम थोड़ा छुपाऊंगा, इनमें से एक पिक पॉकेटर का ये मकान है, इस पर फर्दर कार्रवाई हम बाद में करेंगे। ये पिक पॉकेटर का मकान है और ये मकान के अंदर की जो है ये फर्निशिंग है, जगह नहीं अभी बताएंगे। तो इस तरीके से हमें लगता है कि इस ग्रोह के अरेस्ट करने से लोगों को एक राहत महसूस होगी, और साथ ही में हम उनको ये भी बताना चाहेंगे कि जो वो पैसा अपना रखते हैं उसको बहुत संभाल के रखें, जो ख़ासतौर से लेडीज़ के में उनके पास आने की कोशिश करते हैं, बराबर में बैठते हैं या गाड़ी से उतरते वक्त उनके बिल्कुल क्लोज बॉडली टच करते हैं, उनसे एहतियात रखें, क्योंकि उसी में ये अपना काम कर जाते हैं कि आपके पर्स से आपका पैसा छीन लेते हैं या गाड़ी से उतरते वक्त आपका पर्स ही छीन जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट अब पब्लिक से भी है कि वो अपने पैसे की हिफाजत करें और ऐसे अनासिब से थोड़ा डिस्टेंस रखें, और वैसे भी आज कोविड है तो अगर हम थोड़ा सा दूसरे से डिस्टेंस रख के चलें और बाज़ार में भी थोड़ा दूर दूर चलें, तो मुझे लगता है कि कोविड से भी बचेंगे और इस लूट से भी बच सकते हैं।